किसी ने एक बहुत सुंदर बात पूछी कि गुरुदेव, या कलिकाल में कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितनी गीता, यज्ञ अनुष्ठान, सत्संग कितने हो रहे हैं? पहले तो इतने होते ही नहीं थे। हमने कहा भाई, ये भी राम नाम की दुकान है। सतयुग में दुकान अच्छी चलती थी, भगवत भजन अच्छा होता था और तुरंत परमात्मा मिल भी जाता था। मिलता था कि नहीं मिलता? सतयुग में जितना भजन तुरंत किया और परमात्मा सम्मुख आ गए, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, दान करा, पुण्य करा, भगवत नाम का जाप किया और परमात्मा का साक्षीकरण हो गया। ये राम नाम की दुकान, ये स्मरण की दुकान है, परमात्मा के भजन की दुकान सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। तो कहे गुरुजी, ये कलयुग में इतनी क्यों? भजन भागवत रामायण गीता इतना क्यों? उसका केवल कारण इतना है कि त्रेता में तो राम नाम का माल खूब बिक जाता था, द्वापर में, सतयुग में भी खूब चले जाता था, पर देखा कि या संसार में, कलिकाल में अगर इस माल को बेचना है तो सेल लगाना पड़ेगी। इसलिए भगवत नाम की सेल लगाई गई है कि जहां भी जाओ कहीं ना कहीं भगवत नाम का कीर्तन मिल ही जाए, राम नाम कीर्तन मिल ही जाए, प्रभु के नाम का स्मरण कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाए। जैसे कि स्पीड ब्रेकर को देखकर गाड़ी को स्लो कर लिया जाता है कि स्पीड ब्रेकर आया है, थोड़ा गति अवरोधक आया है, गाड़ी को थोड़ा धीमा कर लिया जाए, स्लो कर लिया जाए, उसी तरह जितने भी कलिकाल में गांव गांव में, नगर नगर, शहर शहर में भागवत रामायण गीता भजन स्मरण कीर्तन मंदिर देवालय तीर्थ जितने भी होते चले जा रहे हैं, ये केवल एक स्पीड ब्रेकर के लिए हैं कि हमारी गाड़ी जो काम लोभ विषय वासना अहंकार और तृष्णा में बहुत तेज दौड़ रही है, उस गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लिया जाए, थोड़ा सा कम कर लिया। गाड़ी थोड़ी सी कम होगी, स्लो होगी, तो भजन कीर्तन स्मरण करने में भी सुख की अनुभूति होगी, सुख प्राप्त होगा। और मालूम पड़े वही काम, वही लोभ, वही विषय, वही वासना, वही अहंकार, वही तृष्णा, उसी में समाहित रहे, तो फिर सुख क्या, आनंद क्या?